सभी साथियों को एक बार फिर से हमारा जोहार। आज हम लोग पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ इसको समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड का जो सिंहभूम वाला एरिया है, सिंहभूम जिसमें कि तीन क्षेत्र पे बात हुई थी, एक हो गया ढालभूम, इधर आपका सरायकेला पोरहाट और इस ये वाला पश्चिम वाला साइड में आपका हो गया कोल्हान। इस पे बात हुआ था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने तीनों जगह पे प्रवेश पाया, किस प्रकार से सभी को अपने अधीन कर लिया। तो आज हम लोग पलामू वाले एरिया में बात करेंगे कि पलामू में किस प्रकार से इन लोग प्रवेश किए हैं। तो आप लोगों को ये पहले ही बात हो चुका है कि 1765 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसे बंगाल का, बिहार का, ये सब सब का इधर का साथ साथ में झारखंड इंक्लूडेड है, तो इधर वाले जो क्षेत्र था सभी का दीवानी अधिकार इधर मिल गया था, पूरा मध्य भारत से लेकर के इधर तक सबका मिल गया था। और तब फिर वो क्या कर रहे थे, अपना मालगुजारी या फिर लगान कह लीजिए, वसूली के दरमियान में कि पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा चाह रहे थे। लेकिन झारखंड का जो परिप्रेक्ष था अन्य राज्यों की तुलना में अलग था, तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि 1765 के बाद कुछ वर्ष शांत रहे। देखिएगा आप, दो वर्ष के बाद 1767 में सिंहभूम में एंट्री किए थे। यहाँ पर पलामू वाले क्षेत्र, जैसे कि आपका पोरहाट और कोल्हान वगैरह को अधीन करते करते 1820-21 हो गया, उसके बाद फिर 32 में भी होगा, तब हम लोग देखेंगे, तब जाकर के पूरा तरीका से शांत होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश 70 साल में कंप्लीट हुआ, 67 से स्टार्ट किया था, उधर जाकर फिर कंप्लीट होगा, हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग पलामू पर बात करेंगे। तो ये 1765 में दीवानी अधिकार मिल चुका था, उसके बावजूद भी ये लोग 1770 तक चुपचाप रहे, और 71 में इन्हें यहाँ पे पलामू में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल गया। ये मौका कैसे मिला, अब इसे हम लोग इसको कहानी आराम से समझते हैं। पलामू में थे, कौन सा वंश शासन कर रहा था, चेरो वंश। तो चेरो वंश में हम लोग देखे थे कि भाई साहब एक थे रंजीत राय, 1716 से 1722 तक। तो इस पे बात हुआ था कि 22 में क्या हुआ था कि इसी के एक संबंधित है जयकृष्ण राय, उसने एक ठकुराई अमर सिंह ठकुराई के या फिर अमर सिंह के सहयोग से ये क्या किए थे भाई साहब, रंजीत राय को 1722 ईस्वी में पराजित करके मार डाला, और जयकृष्ण राय 1722 में गद्दी पर बैठे, और भाई साहब 1770 तक गद्दी पे आसीन रहे पलामू के चेरो वंश। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1770 में क्या होता है। तो शुरुआत में ये दोनों में क्या था, दोनों एक दूसरे के सहयोगी, मतलब अच्छा जोड़ी था, दोनों का विचार मिलता था, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि जयकृष्ण राय और अमर सिंह, इन दोनों में हो गया मतभेद। ठीक है, और मतभेद क्या, मन मत उसको बोलते हैं ना, एक दूसरे के प्रति खटास भी आ गया। अब किस कारण से आया, क्या हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ है कि इन दोनों में मतभेद हो गया। तब फिर जयकृष्ण राय ने क्या किया, एक आदमी को भड़काया, उसका नाम था गजपति राय, और ये भाई साहब क्या किए, अमर सिंह के बेटे थे सैनाथ सिंह। तो इस गजपति राय को भड़का करके क्या किए, इसका सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी। अब क्या होगा, तो
तो सैनाथ सिंह के एक भतीजे हुए भाई साहब जयनाथ सिंह, ये सब भोक्ता सरदार थे। ठीक है, आगे हम लोग भोक्ता जब विद्रोह पढ़ेंगे, विद्रोह में भी थोड़ा सा इसका फिर बात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सैनाथ सिंह के भतीजे से जयनाथ सिंह, ये इससे बदला लेने को आतुर जयकृष्ण राय से। और इधर तब तक क्या था कि रंजीत राय के पुत्र थे देवी दत्त राय, यहां लिख देवी दत्त राय। तो ये तो भाई साहब इन्हीं के जीवन शासन काल में ये सब भाई, ये भाई साहब का उम्र पार हो गया। इनके बेटे हुए चित्रजीत राय, चित्रजीत राय। तो गद्दी पे जैसे इसको, ये इनके संबंधित थे और चूंकि धोखे से इनको मार करके गद्दी हथिया लिए थे, तो इधर वाला जो इनका जो वंश चल रहा था तो उनमें तो ये स्वाभाविक तौर पे बात है कि गद्दी को मतलब सत्ता प्राप्त करने की लालसा तो होगी। तो देवी दत्त को कभी वैसा मिला मौका मिल नहीं पाया, तो ये भाई साहब का जीवन यूं ही गुजर गया। इसके बेटे हुए चित्रजीत राय, रंजीत राय के पोते, तो इनको मौका मिल गया कि ये क्या किए थे, इसकी हत्या करवा दिए थे। और उसका भतीजा तो था जयनाथ सिंह, ये बड़ा था एक्टिव ये सब सत्ता वगैरह राजनीति में, तो इन दोनों का जोड़ी बन गया। अब ये दोनों का जोड़ी बन गया तो ये दोनों गठबंधन कर लिए और अब बोले कि अब हम लोग को क्या करना है, ये बड़ा दुष्ट है, पापी आदमी है, तो अब हम लोग को इस राजवंश पे मतलब चेरो राज्य को फिर से जो ओरिजिनल हकदार है उसे वापस गद्दी मिलना चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे। ये लोग दोनों गठबंधन कर लिए और 1770 में युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है सतबरबा, पलामू के भाई सतबरबा वाला क्षेत्र में, सतबरबा में युद्ध होता है। ये दोनों भाई साहब जीत जाते हैं और ये दोनों क्या करते हैं मिलके, जयकृष्ण राय की हत्या, उसे मार डालते हैं। और उसके बाद अब क्या करते हैं, 1770 में ही, 1770 में पलामू मतलब वही राजवंश, पलामू किला पर अधिकार कर लेते हैं। पलामू किला पर अधिकार कर लिए, राजा बन गए ये भाई साहब चित्रजीत राय राजा, और जयकृष्ण राय सॉरी जयनाथ सिंह ये बन गए इसके दीवान। और दोनों मिलकर के अपना सत्ता स्टार्ट कर दिए 1770 में। अब क्या होगा, अब जो है सत्ता में तो ये आप लोग देखते ही होते होंगे कि कभी ये इसका मर्डर कर दिया कि नहीं हम इसका असली हकदार हैं, हम इसका असली हकदार हैं। तो अब जो जयकृष्ण राय थे भाई साहब, इतने साल से जो शासन चला रहे थे, लगभग आपका 50 साल हो गया, 48 साल से जो शासन गद्दी पे बैठे हुए थे, तो इसका भी तो वंशज है, वो चाहेगा ही कि भाई ये तो गलत हो गया, अभी तो चूंकि मेरे भाई पिताजी या मेरे दादाजी सत्ता पे थे तो अब अगला अधिकार मेरा बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी हत्या कर दिया गया। तो इसके भी एक पोता थे भाई साहब, नाम है उनका गोपाल राय। अब यहाँ देखिए कि गोपाल राय क्या हुआ, अब ये बोले कि भाई इस सत्ता पर तो मेरा अधिकार है। तब ये अपने एक प्रतिनिधि, इनके सहयोगी हुए उद्वंत राय अखौरी, इसको भाई साहब भेजे ये पटना काउंसिल, अंग्रेजों का एक जो मुख्यालय था इधर वाले क्षेत्र में, बिहार को रिलेटेड बिहार वाले क्षेत्र में, तो वो पटना था, ये भेजे पटना। अब वो बोले कि साहब ऐसा ऐसा बात है कि मेरे दादाजी मतलब जो मेरे जो राजा जी हैं गोपाल राय, उनके दादाजी गद्दी पे थे, लेकिन वहाँ पर उनके वहाँ के जो क्षेत्रीय जो ठाकुर लोग हैं और इधर का जो पूर्वज था, दो आदमी मिल करके क्या किया है, उनको मार दिया और गद्दी को हथिया लिया है। सो आप हमारी मदद कीजिए और हमारी सत्ता को प्राप्त करने में सहायता करिए, हम लोग आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे और आपके अंडर में ही कार्य करेंगे।
अब अंग्रेजों के लिए लग गया लॉटरी, वो लोग जैसा मौका चाहते थे वैसा मिल गया। अंग्रेज तो बेसिकली इसी टाइप का पूरे देश में ना कब्जा किए कि भाई फूट डालो, आपस में लड़ाई का, एक टो का सहयोग करो और उसके बाद फिर उसको अधीनता के लिए मजबूर कर दो। तो उसी टाइप का जैसा ये चाह रहे थे भाई साहब वैसा मौका मिल गया। तब बोले ठीक है रुको काम करते हैं। तब वहां से पटना से एक चिट्ठी आया कैमक के द्वारा, ठीक है, लेफ्टिनेंट कैमक के द्वारा एक चिट्ठी आया। सोनपुर में एक रियासत है, सोनपुर वाले क्षेत्र में, मतलब सोन नदी के तट पे ही देवरी, वहां पे अंग्रेजों के बोल सकते हैं मतलब उसके माथहत वाला एक, मतलब उसके अंडर में कार्य करने वाला गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन ये नाम था भाई साहब का। तो उसके माध्यम से एक लेटर भेजा गया यहाँ पर चित्रजीत राय को इसके माध्यम से एक लेटर भेजा गया कि गोपाल राय है वो यहाँ का उत्तराधिकार का हक लेकर के हमारे संबंध में ये मदद मांगने आया है, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपका क्या विचार है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करते हैं या नहीं, पलामू किला हमारे अंडर में देते हैं या नहीं, मतलब इस टाइप का सवाल पूछा गया, मतलब कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, हमारी अधीनता स्वीकार करिए और पलामू किला वापस लौटाइए और मालगुजारी के तौर पे कि 5,000 रुपया उस समय डिमांड किया गया था कि 5,000 रुपया आपको क्या देना होगा इस टाइप का। तो ये क्या किए भाई साहब चित्रजीत राय, राजा थे चित्रजीत राय और इसके सहयोगी थे जयनाथ सिंह। तो जब ये लेटर गुलाम हुसैन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा तब इन लोग विचार करने के लिए बोले कि भाई हम लोग को विचार करना है, तो विचार करने के लिए हम लोगों को 10 दिन का समय चाहिए। तो इन लोग बोला कि नहीं नहीं नहीं, इन लोग 10 दिन समय सोचने के लिए नहीं मांग रहा है, ये लोग प्लान बनाएगा 10 दिन में, अपना सेना इकट्ठा करेगा और हमला मतलब लड़ने की तैयारी के लिए ये लोग 10 दिन का समय मांग रहा है। अंग्रेजों को भी लगा कि ये बात तो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं ठीक है, अब 10 दिन अगर मांग रहा है तो दे देते हैं समय। 10 दिन का समय हुआ तो वो लोग जान रहा था कि ये लोग तैयार हो भी सकता है नहीं भी, डाउट तो लग रहा था, तो 10 दिन का फिर भी समय दे दिया। 10 दिन के बाद जवाब गया जयनाथ सिंह का, मतलब इन लोग दोनों का जवाब गया कि भाई बड़ा ही कूटनीति वाला कि भाई हम लोग तो हमेशा से आपके अधीनता स्वीकार किए हैं, मतलब आप लोग के हमेशा पक्ष में ही रहे हैं, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं मराठा उन लोग से हम लोग कभी मैत्री नहीं किए, तो हम लोग आप लोग से बाहर कहाँ हैं। हाँ, जहाँ तक बात रहा अधीनता स्वीकार करने का तो हम लोग शर्त को मतलब अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में क्या बताया गया कि सबसे पहला कि यहाँ पर आप सबसे पहला कि इस क्षेत्र में कि सबसे पहले तो हम लोग 4,000 रुपया ही दे पाएंगे टैक्स के तौर पर, कर के तौर पर, उसमें से 2,000 रुपया देंगे नगद और 2,000 रुपया देंगे अनाज के तौर पर। दूसरा कि आप हमारे क्षेत्र में पलामू में कोई भी मतलब फैक्ट्री या फिर सैन्य शिविर मतलब रेसिडेंट वगैरह ये नहीं बनाएंगे। तीसरा कि आप हमें पटना जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चौथा कि विश्रामपुर का जो किला है वो आप हमें सौंप देंगे। और पांचवा कि ये जो देवरी वाला क्षेत्र था गुलाम हुसैन वाला कि उसको आप हमें सुपुर्द कर देंगे। तो वो भाई साहब लिखे थे हिंदी में, ये क्या किए भाई साहब गुलाम हुसैन उसको कर दिए ट्रांसलेट और उसके बाद भेजे पटना। तो पता नहीं चेंज किए कि नहीं किए, लेकिन इस टाइप का था कि बात की नहीं ये भाई साहब चेंज कर दिए, क्योंकि ये देवरी का डिमांड भी भाई साहब कर दिए लोग कि ये वाला क्षेत्र भी हमको चाहिए, और वहाँ पे ये शासन जमींदारी कौन कर रहा था, अपना शासन चला रहे थे गुलाम हुसैन और उसी के मार्फत चल रहा था।
तो कैमक को पता चला ये सब कि इतना सारा कंडीशन रखा हुआ है, तो वो समझ गया कि भाई इस लोग को देने का मन नहीं है। तो अब क्या करना है, अब करना ये है कि भाई वहां पर अब अटैक करना है। तो कैमक पूरा आसपास के अपने जितने भी सैन्य थे, जो भी सहायक जमींदार वगैरह हुए, जो भी इसके सहयोगी हुए, सबको लेकर के भाई साहब पहुंच गए जनवरी में, जनवरी में ही पहुंच गए, जनवरी 1771 में पहुंच गए ये भाई साहब पलामू। ठीक है, शिविर लगा हुआ था, सब चल रहे थे, आगे आगे चल रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत अटैक होता था, छीन झपटी होता था, इस टाइप का होते रहा, ये लोग भी मारा, उन लोग भी मरा, दोनों साइड से अपना थोड़ा बहुत युद्ध होने लगा, कभी वैसा आमने सामने वाला युद्ध नहीं हुआ। तो ये सब जनवरी में यहाँ पहुंच गए, फरवरी में पहुंच गए पलामू का नया किला, नया किला में जाकर के इन लोग अपना अधिकार जमा दिए। उन लोग क्या किए भाई साहब, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ये दोनों जाकर के पुराना किला जो था पलामू का, वहां पे जाकर के वहां से अपना युद्ध नीति, अपना युद्ध तैयार कर रहे थे भाई कि युद्ध कैसे कैसे लड़ना है। अब ये भाई साहब वहां से कर रहे हैं कैमक नया किला में और ये लोग पुराना किला में। तो इसी तरह 15-20 दिन महीना दिन का समय बीतता गया और लास्ट में जाकर के इन लोग अटैक कर दिया पुराना किला में भी। अब पुराना किला में भी अटैक कर दिया तो वो ध्वस्त होने लगा, ये लोग देखा कि भाई सक तो नहीं रहे हैं, हम लोग तो हार रहे हैं, तो ये लोग क्या किया यहाँ से भाग के आ गया रामगढ़। और उसके बाद मार्च अप्रैल में जब ये लोग भाग गया तो मार्च अप्रैल में यहाँ कहाँ गया गोपाल राय, हाँ मार्च अप्रैल में फिर गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया और कर इसका बांध दिया गया कि भाई ये आपको 4,000 रुपया सालाना टैक्स देना है। ये लोग भाई साहब निकल लिए, ये लोग जयनाथ सिंह अपना परिवार को मराठा वाला मतलब क्षेत्र में भेज दिए, उधर लोग शांति हो गया, ये लोग भाग के आ गया रामगढ़। लास्ट में फिर वो वापस लौटा लेकिन फिर जा करके जयनाथ सिंह पिटा गया और भाग गया सतबरबा। तो इस तरीके से फिर गोपाल राय वहाँ का शासक बन गया और पलामू आ गया इसके क्षेत्र में और अंग्रेजों के अधीनता में। तो ये हो गया आपका पलामू प्रवेश। नागवंश में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, बस अब ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट ही लगेगा, तो देख ही लेते हैं एक ही बार, उसके बाद मिटाएंगे नागवंश का, क्योंकि वैसा कुछ हुआ नहीं है। नागवंश देखिए क्या किया, नागवंशी शासक उस समय हुए थे दर्पनाथ शाह। ये भाई साहब भी बहुत कमजोर, ठीक है, इसको भी भाई लोग कभी ये लोग पीट दे रहा था, कभी रामगढ़ वाला घुस जा रहा था, और अब जा करके तो ये लोग, ये भाई साहब जा करके अटैक किए थे ना 1770 में यहाँ पर कोल्हान वाला क्षेत्र में हो लोगों को, तो हो लोग तो भाई वैसे ही स्वतंत्रता वाला, वो उस पर अटैक करेगा तो वो छोड़ेगा, अब वो लोग भी अटैक करने लगा, इधर पूरा गुमला वाला एरिया में घुस जा रहा था बसिया वसिया साइड को, वो लोग आकर के कब्जा लेता था। तो दर्पनाथ साहब बेचारा अपने जा करके कुछ नहीं, 1771 में जो ये कैमक आए हुए थे भाई साहब, 1771 में कैमक, ये जो पलामू पे कार्रवाई करने के लिए भाई साहब ये कैमक आए हुए थे, तो दर्पनाथ साहब क्या किया, अपने से जा करके वहाँ पलामू में जा करके मिला, अब अपने से रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हमको अपने अंडर में ले लीजिए। कैमक बोला कि ठीक है, अपने से आ रहा है, आ जाओ, क्या दिक्कत है, और वो उसको शामिल कर लिया। और यहाँ पे एक दर्पनाथ शाह, हाँ और एक चीज़ और, ये उस दर्पनाथ शाह कंडीशन रखा कि भाई जो वहाँ पे बात हुआ था ना अली वर्दी खां के समय में, कि अब जो टैक्स जो था वो उल्टा जा रहा था, पहले रामगढ़ से नागवंश और नागवंश से जाता था मुगल, वो उल्टा हो गया था, मतलब अब नागवंश से रामगढ़ और रामगढ़ से टैक्स जाता था वहाँ ऊपर, मतलब मुगल और अब अंग्रेज। तो ये बोला कि भाई हम टैक्स उधर से नहीं देना चाहते हैं, हमको आप सीधा सीधा रख लीजिए, मतलब हम सीधा जा करके पटना में टैक्स देंगे, पटना को टैक्स पे करेंगे, रामगढ़ को नहीं, रामगढ़ वाला राजा बड़ा भाव मारता है, वो हम लोगों को मतलब गिनता ही नहीं, अपने से छोटा राजा मानता है, लेकिन हम लोग तो उससे बहुत पहले हैं, वो तो हमारे सेवक थे, बाद में जा करके राज्य का गठन कर लिया, लेकिन हम लोग तो बहुत पुराना वंश के हैं ना, तो हमें उधर से देने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है।
तो ये भाई साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं है, वो सीधा सीधा कर दिए कि भाई ठीक है तुम दर्पणाशा को कि ठीक है तुम 12,000 रुपया सालाना टैक्स डायरेक्ट आकर के पटना में पे करना है। तो ये हो गया अब कि नागवंशी इसके अंडर में भी आ गए। इसके संबंध में एक बड़ा मजेदार कहानी है टोपी की अदला बदली वाला, कि जब दर्पनाथ शाह वहाँ कैमक से मिलने गए तो कैमक देखा कि वो तो भाई हमसे मिलना चाह रहा है और सारा कुछ ये देना भी के लिए भी तैयार है। तो जब जब सारा कुछ ये सब डील हो गया तो इसका नज़र इस पे था कि भाई ये जो उसका पगड़ी जो उसका मुकुट था उस पे था कि देख रहा भाई कि पूरा इसमें हीरा उरा लगा हुआ है। तो वो दिमाग लगाया बोला अच्छा कुछ इस पे करते हैं। तो जो कैमक भाई साहब थे वो दिमाग क्या लगाए, वो बोले कि हमारे जो ब्रिटेन में हैं कि अगर इस टाइप का आप जैसे आप हमसे मिलना चाह रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो दोस्ती तब हम लोग जाकर के कंप्लीट मतलब परिपूर्ण मानते हैं जो था सच्चा दोस्ती, कि इस समय में हम लोग अपना टोपी अदला बदली करते हैं कि मेरी टोपी आप और आपकी टोपी हम। ठीक है तो ये तो बेचारा ये तो समझ गया भाई खेला दर्पनाथ शाह, लेकिन क्या करे बेचारा उसी के साथ गया है भाई उसके शरण में। अब वो जो मांग ले भाई तो बोले ठीक है ये तैयार हो गया। तो बेचारा अपना हीरो से जड़ा उड़ा वाला सब दे दिया उसको और उसका सिंपल सा टोपी ले लिया, हो गया दोस्ती कंप्लीट। टोपी बेचारा बदला तो टोपी ये पगड़ी तो दे दिया और वो इसको टोपी पहना दिया। जो टोपी वाला जो मतलब निकाल लीजिए ठीक है, अपना टोपी पहनाया और पहना दिया दर्पनाथ शाह को, बेचारा बेवकूफ़ बन के आ गया। तो इस तरीके से वो नागवंश जो हमला छोटा नागपुर खास कोकरा क्षेत्र बोल लीजिए या छोटा नागपुर वो चला गया अंग्रेजों के अधीन 1771 में ही। तो 1771 में छोटा नागपुर का छोटा नागपुर भी चला गया और पलामू दोनों इस क्षेत्रों में मतलब 1771 में। देखिए एक अभी फिगर आप लोग अभी तक क्लियर कर लेते हैं फिगर, जैसे देख लीजिएगा 1767 में सबसे पहले कौन चला गया ढालभूम, उसके बाद 1771 में आ गया आपका पलामू ये भी उसके अधीन हो गया, 1771 में ही आ गया छोटा नागपुर और 1820 में अधीन चला गया ये कौन आपका पोरहाट और सरायकेला और 1821 में कोल्हान। तो अभी तक झारखंड के इतने सारे क्षेत्र में कब्जा मतलब अधीनता या बोल लीजिए या उसके अधीन वाले क्षेत्र में अंग्रेजों के अधीन वाले क्षेत्र में इतना सारा क्षेत्र शामिल हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे रामगढ़ मानभूम और संथाल परगना, ये कुछ क्षेत्र बच गए हैं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे मंडे को, कि इन सब राज्यों और रामगढ़ वाला क्षेत्र में मानभूम वाले क्षेत्र में और संथाल परगना ये जो तीन क्षेत्र है वहाँ पे अंग्रेज किस प्रकार प्रवेश करते हैं। रामगढ़ वाला राज्य में देखने में मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू।